Hi, welcome to the second lecture of dimensional analysis. See, in lecture one we have seen what is the meaning of dimensions. तो हमने देखा था dimensions का मतलब होता है the powers of the fundamental quantities in any given physical quantities. We have seen it means the powers of the fundamental quantities in any given physical quantities. तो हमने देखा था in SI system basically there were seven fundamental quantities और हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए कैपिटल ए और आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए के या थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी. ठीक है, देन वी हैव सीन लाइक व्हेन वी आर राइटिंग स्पीड, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हो. ऐसा हमने लेक्चर वन में देखा था, जैसे आपने स्पीड लिखा था और हमने लेक्चर वन में देखा था कि स्पीड को हमने लिखा था डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और टाइम किसे रिप्रेजेंट करता है, टाइम को. तो जो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन. और फिर वी हैव सीन सिंस एम एल टी आर द थ्री बेसिक क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स, तो यूजुअली हमारा ट्रेंड होता है कि मैकेनिक्स की तीनों क्वांटिटीज को अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट, क्योंकि स्पीड में मास कुछ भी नहीं है तो वी कैन ऑल्सो राइट एम टू द पावर जीरो एल टी पावर माइनस वन. ठीक है, देन वी हैव सीन सम अदर फॉर्मूलाज लाइक द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया वॉज एल पावर टू, वॉल्यूम एल पावर थ्री, डेंसिटी का क्या था एम एल पावर माइनस थ्री. तो यहां तक हमने एक हल्का सा रिकैप ले लिया लेक्चर वन का. एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर कोई भी नया स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप डायमेंशंस का मेरा लेक्चर वन देख लीजिएगा, तब इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, जिससे आप स्मूथली लेक्चर को फॉलो कर पाओ. ठीक है, तो इन टूडेज लेक्चर वी विल मूव अहेड विथ सम मोर डायमेंशनल फॉर्मूला एंड मोर ऑफ द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. देखिए, अगर कोई भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, इफ द क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, यानी अगर उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर जीरो टी टू द पावर जीरो. तो व्हेन यू राइटिंग एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इट डिनोट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट डिनोट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ओके, एंड इफ यू सी ऑल द नंबर्स, इफ यू टॉक अबाउट एनी रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस, ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस. यानी अगर आपसे पूछा जाए वॉट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाइव, पाई, रूट थ्री एटसेट्रा, तो ऑल ऑफ देम विल हैव नो डायमेंशनल फॉर्मूला. यानी सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो. ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस इन नेचर. तो वेन वी राइट सम क्वांटिटी लाइक डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है अ चेंज इन एक्स. ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज. तो व्हेन यू राइट डेल्टा एक्स, इट मींस व्हाट, अ चेंज इन एक्स. एंड व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ चेंज इन एक्स, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एक्स का होगा. ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चेंज इन एनी क्वांटिटी इज सेम एज द एज दैट ऑफ द क्वांटिटी. द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चेंज इन एनी क्वांटिटी इज सेम एज दैट ऑफ द क्वांटिटी. जैसे अगर आप लिखते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल वी या डेल्टा वी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वी का होगा, दैट इज एल टी माइनस वन. अगर आप लिखते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेल टी दैट इज चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो टी का होगा, दैट इज कैपिटल टी. ओके, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम मोर क्वांटिटीज. Now we see when you write the quantity acceleration, तो देखिए acceleration का formula क्या होता है, change in velocity divided by change in time. We know acceleration क्या होता है, change in velocity divided by change in time. अब देखिए अगर आपको a का dimensional formula लिखना है तो सबसे पहले तो मैं basic formula लिख दूँ. तो we know the formula for the acceleration is change in velocity divided by change in time. दोनों side में square bracket लगा देता हूँ, जो क्या बता रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक, नाउ डेल्टा वी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वी का होगा, दैट इज वेलोसिटी, और डेल्टा टी का वही होगा जो टी का होगा, दैट इज टाइम. नाउ वी का फॉर्मूला हमने देखा था स्पीड या वेलोसिटी का सेम होता है एल टी माइनस वन, और टी का कितना होगा टी, सो ए का फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू. अगर आप एम भी लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट m to the power 0 lt minus 2. ठीक,
तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फॉर द क्वांटिटी एक्सेलरेशन, राइट, m0 lt माइनस 2, ओके. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो वॉट द एक्सेलरेशन, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, lt माइनस 2, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, lt माइनस 2, ओके. Now when you see the next quantity force, so we know the basic formula for force is what, m into a, force kya hota hai, mass multiplied by the acceleration. So agar hame force ka dimensional formula nikalna ho, you can write f is equal to what, ma, to jo force ka dimensional formula hoga wo hoga mass multiplied by a. Now mass is a fundamental quantity jiska dimensional formula m hota hai. ए का क्या देखा अभी हमने, एल टी माइनस 2, तो हमारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, ओके. तो ये हमारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, ओके. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट वर्क, तो वी नो द बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क, हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क क्या होता है, force into displacement. So we can write work is equal to force into displacement. तो जो work का dimensional formula होगा वो कितना हो जाएगा, force का dimensional formula multiplied by displacement. Force अभी हमने देखा कितना आया, mLt minus 2, displacement is what, L. तो what is the dimensional formula for work, m, L की power कितनी हो गई, 2, t minus 2, ठीक है. तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं. नेक्स्ट क्वांटिटी इज द एंगल. सी हमने लेक्चर 1 में देखा था कि व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेन एंगल, जब आप प्लेन एंगल की बात करते हो, तो हमने प्लेन एंगल को डिफाइन किया था बाय द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. याद है हमने एक सर्कुलर आर्क लिया था, याद है, जिसका रेडियस कितना था आर, और आर्क लेंथ कितनी थी एस, और ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा था थीटा. अब देखो अगर हमें एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो ये क्या होगा, आर्क लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला. अब आर्क लेंथ क्या है, एल, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को. रेडियस क्या है, एल, इसका भी नेचर लेंथ है. नाउ लेंथ लेंथ कैंसिल आउट हो गई, यानी एंगल, प्लेन एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, कुछ भी नहीं, m0 l0 t0, m0 l0 t0, ठीक है. यानी प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. प्लेन एंगल कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नाउ सी यहां पे अपने को एक पॉइंट मिल रहा है, वी हैव सीन प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट प्लेन एंगल हैज अ यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है क्या, रेडियन. ऐसा यूनिट होती है क्या, रेडियन. तो यहां से हमें एक पॉइंट मिल रहा है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिटलेस, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिटलेस. यानी अगर क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो उसमें यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. अगर आपसे कभी पूछा जाए कैन यू नेम एनी क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस, कोई ऐसी क्वांटिटी आप बता सकते हो जो डायमेंशनलेस तो है बट यूनिटलेस नहीं है, तो आप कह सकते हो प्लेन एंगल. आप कह सकते हो क्या, प्लेन एंगल. इनफैक्ट जब हम अभी आगे देखेंगे मेजरमेंट ऑफ अ सॉलिड एंगल, जब हम कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स में और देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द सॉलिड एंगल, तो वहां आप ये देखोगे सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस होता है बट यूनिटलेस नहीं होता है. उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है. तो जो भी एंगल है, चाहे प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, याद रखिएगा एंगल्स आर डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस. एंगल्स आर डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस. अच्छा अगर इसका कन्वर्स पूछा जाए, अगर इसका उल्टा पूछा जाए, रिवर्स पूछा जाए, ये तो हमने देख लिया कि अगर क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. अब मैं अगर इसका उल्टा पूछूं कि अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है तो क्या ऐसा हो सकता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, नो. अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है, क्योंकि अगर यूनिटलेस है तो उसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सभी क्वांटिटीज क्या हुई, कैंसिल आउट हो गई. तो अ यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, अ यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, याद रखिएगा. बट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट बी यूनिटलेस, ठीक है. तो ये हमने देखा द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल. प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और आगे आप देखोगे सॉलिड एंगल विल ऑल्सो बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नाउ सी द नेक्स्ट क्वांटिटी.
that is the kinetic energy. Now we know the formula for kinetic energy is what? Half mv square, m is the mass, v is the speed. तो अगर आप kinetic energy का basic formula लिखते हो, so we will have half mv square. Now दोनों side में square bracket लगा दे रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि अब हम dimensional formula लिख रहे हैं. Now half is a number and numbers are dimensionless. तो यहां आपको लिखने की कोई भी नीड नहीं है. आप चाहो तो m0, l0, t0 यहां लिख सकते हो, बट उसकी कोई नीड नहीं है. वो तब स्पेसिफिकली लिखना होता है कि अगर हमारा वही आंसर होता है. यहां तो और भी क्वांटिटीज है ना, तो अब इसे इग्नोर कर दो. इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. m इज व्हाट? द मास. तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला m होगा, ठीक है. v क्या है? स्पीड. स्पीड का क्या होता है? एल टी माइनस वन होल स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m की पावर 1 हो गई, l की पावर 2, t माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2. तो वी विल हैव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एज व्हाट? m l पावर 2 t पावर माइनस 2. ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये सब आपकी जो साथ में अटैच बुकलेट है उसमें दिया भी हुआ है. ठीक है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कुछ क्वांटिटीज का कि हम उन्हें निकालेंगे कैसे. ठीक है, उनमें आपको दिया भी हुआ है. केवल मैं स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ वी प्रोसीड विद द स्टेप्स. ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम क्वांटिटी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी नो द बेसिक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? एम जी एच. एम जी एच. एम इज व्हाट? द मास ऑफ द पार्टिकल. जी इज व्हाट? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड एच इज व्हाट? द हाइट ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, तो अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहो तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं एम जी एच. दोनों साइड में सब पे स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देता हूं. सो आई एम राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला. नाउ एम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. एम थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस क्यू. और h इज द हाइट, दैट इज l. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा m की पावर इज 1, l दो बार आ रहा है 2, t माइनस 2. तो पोटेंशियल एनर्जी विल हैव द फॉर्मूला m l 2 t माइनस 2. ठीक, नाउ कैन यू सी वन थिंग? अगर आप एक चीज को देखिए जो अभी तक आपने देखा, वर्क काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. वर्क काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूले आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं. तीनों में देखो, मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 2 है और टाइम की पावर माइनस 2 है. इनफैक्ट, और ये आने भी चाहिए सेम, क्योंकि देखो वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, यानी इनका जो नेचर है, फिजिकल नेचर है क्वांटिटीज का, वो सेम है. तो ये याद रख लेना, यहां इस पॉइंट को लिख लीजिएगा. ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज एंड वर्क, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज. और कभी कभी आगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो जहां रेडिएशन वर्ड यूज होगा, रेडिएशन, रेडिएशन का भी मतलब होगा एनर्जी. तो ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एटसेट्रा, रेडिएशन एंड वर्क हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 2. ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज लाइक काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, then radiation and work have the same dimensional formula m l power 2 t power minus 2. m l power 2 t minus t power minus 2. ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा. कई जगह हम जहां पे भी अब एनर्जी वर्ड आएगा, कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, वर्क आता है, रेडिएशन आता है, सीधे आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख दो? एम एल टू टी माइनस टू. एम एल टू टी माइनस टू. ठीक है, नो सेम. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी टेल यू वन थिंग. देखिए, अभी तक हम जिन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले देख रहे थे वो क्वांटिटीज है जो आपने लगभग सभी टेंथ में थोड़ा बहुत आप जानते हो, लाइक द फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. नो बेसिकली अब आपको कई ऐसी भी क्वांटिटीज होंगी जो आप 11th 12th में पहली बार सुनोगे. ठीक है, मे बी लाइक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस. ठीक है, तो कई ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो आप 11th 12th में पहली बार सुनोगे, 10th तक आप उन्हें नहीं पढ़े थे. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फॉर फाइंडिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे पहला स्टेप अपने को चाहिए कि अपने पास एक बेसिक रिलेशन या बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए जो हमारी क्वांटिटी को बाकी नॉन क्वांटिटीज के साथ रिलेट करे.
तो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता लगाओ, तो यू कैन सिंपली राइट के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये अपने को लोअर क्लासेस से मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। बट मान लो अभी मैं आपसे कहूँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता लगाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी कैपेसिटेंस इज अ न्यू क्वांटिटी जो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, तो अभी टेंथ तक आपने ये क्वांटिटी नहीं पढ़ी है। हाँ, अगर आपको इसका बेसिक फॉर्मूला बता दिया जाए तो मे बी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, राइट। तो मैंने आपसे कहा कि अभी आप कई क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो जैसे जैसे चैप्टर्स में हम प्रोसीड करेंगे आगे, वैसे वैसे हम नई नई क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। बट जब अभी आप डायमेंशंस में प्रॉब्लम्स लगाओगे, असाइनमेंट बुकलेट आप लगाओगे, डिफरेंट बुक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाओगे, और फिर जब आप जेई और नीट के पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स लगाओगे, तो उनमें ये सब क्वांटिटीज फ्रिक्वेंटली यूज होंगी। तो दैट्स वाई इन द इंटीग्रेटेड वर्कबुक आप देखोगे, इस लेक्चर के साथ एक इंटीग्रेटेड वर्कबुक है, उसमें जितनी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, जो अभी आप नहीं भी पढ़े हो वो भी दी हुई है। सेकेंड कॉलम में उनका बेसिक फार्मूला दिया है और थर्ड कॉलम में उनका डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्कबुक इसलिए दी है कि जब भी कोई नई क्वांटिटी आपके सामने आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समझ पाओ कि इस क्वांटिटी का बेसिक फार्मूला क्या है और उससे आप जो है उसका क्या निकाल लो, डायमेंशनल फार्मूला। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे प्रॉब्लम्स में और पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स में जेई और नीट के, वो मैं आपको जो आप मेरा लेक्चर है ये वाला लेक्चर और इसके आगे वाला लेक्चर, तो वो जितनी भी क्वांटिटीज है दैट आई एम टेकिंग उसको मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा दे रहा हूँ कि वो क्या होगी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो सी द नेक्स्ट क्वांटिटी, द नेक्स्ट क्वांटिटी इज द टॉर्क। अब देखो जब आप रोटेशनल मैकेनिक्स में आओगे तो आप देखोगे टॉर्क इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ द फोर्स जो बॉडी के रोटेशनल टेंडेंसी को मेजर करेगा। टॉर्क क्या होगा, ये रोटेशनल इफेक्ट होता है फोर्स का कि किस तरीके से फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कर सकती है, ठीक है। इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं और इसे कपल भी कहते हैं। कपल एक स्पेशल केस होता है जब दो फोर्सेस लगती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की, शायद कपल आपने टेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वांटिटीज का जो नेचर है सेम है, चाहे आप उसे टॉर्क कहो, चाहे मूवमेंट ऑफ फोर्स कहो, चाहे आप उसे कपल कहो, ठीक है। इट इज बेसिकली द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, वो था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो अब अगर मैं कहूँ टॉर्क, और टॉर्क को ग्रीक सिंबल टाउ से डिनोट किया जाता है, तो अगर मैं आपसे कहूँ टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क, तो आप लिख दो टॉर्क, सबसे पहले तो इसका बेसिक फॉर्मूला लिख दीजिए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो यू कैन राइट एफ और डिस्टेंस को आर लिख दो, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और टॉर्क को टाउ लिख दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, आर इज द लेंथ दैट इज एल, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। तो टॉर्क का देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स और कपल, ठीक है। नो यहां पे भी अब एक आप स्ट्राइकिंग पॉइंट देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वर्क का भी जो वर्क या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो, वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, एम एल टू टी माइनस टू। वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था कितना था, एम एल टू टी माइनस टू। टॉर्क का भी कितना आ रहा है, एम एल टू टी माइनस टू। यानी वर्क एंड टॉर्क हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, बट दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज का मतलब है इनका फिजिकल नेचर अलग है। टॉर्क इज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है जो बताती है फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है कि कितनी एनर्जी इन द ट्रांसमिशन, कितनी एनर्जी बॉडी ट्रांसमिट कर सकती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क एंड टॉर्क आर ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वांटिटीज, स्टिल दे हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका नेचर एकदम अलग हो, तब भी उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने का सिंपली ये मतलब होता है कि उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज अपीयर हो रही हैं उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स सेम है, ठीक है, उसका और कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनका सेम फॉर्मूला आया था। वहां हमने एक पॉइंट लिखा था कि द क्वांटिटीज विद द सेम फिजिकल नेचर, द क्वांटिटीज विद द सेम फिजिकल नेचर ऑलवेज हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूले, क्वांटिटीज विद द सेम फिजिकल नेचर ऑलवेज हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूले, जैसे वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा। अब यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं,
अगर दो क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो आप ये नहीं श्योरली कह सकते हो कि दे विल हैव द सेम फिजिकल नेचर, यानी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा. तो वी कैन राइट कि क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशनल फॉर्मूले मे और मे नॉट बी ऑफ सेम फिजिकल नेचर. क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशनल फॉर्मूले मे और मे नॉट बी ऑफ सेम फिजिकल नेचर. अगर आपसे कोई कहे कि आपको इलस्ट्रेशन दे सकते हो जहां दो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बट उनका फिजिकल नेचर अलग है, कैन यू गिव एनी इलस्ट्रेशन वेयर अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विल हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूले बट डिफरेंट फिजिकल नेचर? ऑफकोर्स यू कैन गिव, लाइक टॉर्क एंड वर्क. आपने देखा वर्क एंड टॉर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बट उनका फिजिकल नेचर अलग है. ठीक, तो ये दो पॉइंट क्लियर रखिएगा कि अगर क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज का फिजिकल नेचर सेम है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले श्योरली सेम होंगे, बट अगर दो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो उनका फिजिकल नेचर सेम हो भी सकता है और नहीं भी. क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी. सी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वी विल सी अ चैप्टर कॉल्ड ग्रेविटेशन, और उसमें देखेंगे देयर इज अ लॉ गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन व्हिच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो बताता है इस यूनिवर्स में कोई भी अगर दो मासेस है, कोई भी दो पार्टिकल्स है, मासेस है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो होती है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे जी क्या है? जी इज अ कॉन्स्टेंट जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. जी एक कॉन्स्टेंट होता है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. एम वन एम टू मासेस है और आर उनके बीच का डिस्टेंस है. तो हमें कई जगह आप देखोगे प्रॉब्लम्स में हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज पड़ता है. तो अब देखिए हम इससे कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले हम बेसिक इक्वेशन लिख दें, तो एफ क्या है? जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. लेट अस मेक जी एज द सब्जेक्ट, तो जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू. दोनों साइड हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं. ठीक है, एम वन M2, ओके. नाउ फॉर G, कैपिटल G, F विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू. ऑलरेडी F का याद है हमें. देखिए कुछ तो एकदम हमें फिंगर टिप पे होने चाहिए, जैसे फोर्स एम एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू, एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी अ वर्क एम एल टू टी माइनस टू, स्पीड एल टी माइनस वन. तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू. आर कितना हो जाएगा? लेंथ एम वन एम एम टू एम. अब देखिए m की पावर नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो ये हो गया m पावर माइनस 1. l यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो l 3 और t माइनस 2. तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का. किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का. ठीक है, इसे लिख लीजिएगा. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वांटिटी. इसे मैं रेज कर दे रहा हूँ तो यहाँ वीडियो को चाहना स्टिल करके इसको लिख लेना. इसके बाद दूसरी क्वांटिटी देखते हैं. सी, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स देखोगे, फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेस. तो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप एक क्वांटिटी देखोगे जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर एटा, लाइक दिस. ये बेसिकली आप देखोगे मेजर करेगा द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल. कोई भी चीज़ अगर फ्लूइड में मूव करती है तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, ये मेजर करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक, तो बेसिकली हम एक लॉ वहाँ पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है स्टोक्स लॉ. और स्टोक्स लॉ बताता है कि जो फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे वो होती है 6 pi eta rV. तो ये स्टोक्स लॉ हमें एक बेसिक फॉर्मूला दे रहा है. स्टोक्स लॉ हमें एक बेसिक फॉर्मूला दे रहा है जिसकी हेल्प से हम क्या पता लगा सकते हैं? द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, तो सेम स्टोक्स लॉ से एफ इज इक्वल टू 6 pi eta rV. यहाँ एफ क्या है? फोर्स. एटा क्या है? विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आर क्या है? रेडियस. और वी क्या है? स्पीड. हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है? एटा का. तो आप एटा को क्या बना लो? विस्कोसिटी को क्या बना लो? सब्जेक्ट. तो एटा क्या हो जाएगा? एफ डिवाइडेड बाई 6 pi rV. ठीक है, चलिए दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूले लिख देते हैं. एफ 6 pi rV. ठीक है, अब देखिए एफ का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, 6 pi, डायमेंशन लेस होगा. आर का एल, वी का एल टी माइनस वन,
एक एल ये कैंसिल आउट हो गया, तो एटा का क्या आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एम। अब देखिए ये एल ऊपर आके क्या बन गया, एल पावर माइनस वन, और ये माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, ऊपर क्या है माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन टी माइनस वन। ठीक, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, ओके okay. इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी। तो अगर आप अगली क्वांटिटी देखते हो, तो जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स में आएंगे, वी विल सी लॉट ऑफ क्वांटिटीज, वहाँ कई रोटेशनल क्वांटिटीज होंगी। दो तरीके की मैकेनिक्स आप पढ़ते हो, एक होती है लीनियर या ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन पढ़ते हैं, और फिर आप 11th में पढ़ोगे रोटेशनल मैकेनिक्स, जिसमें ऑब्जेक्ट का हम जब वो कोई चीज़ रोटेट करती है तो वहाँ क्या उसकी मैकेनिक्स होती है, क्या फोर्सेस लगती हैं, क्या वेलोसिटी होती है, वो पढ़ते हैं। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में हम कई एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ेंगे, लाइक पहली क्वांटिटी हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने को बताएगा कि पार्टिकल कितना एंगल कवर कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने को बताएगा कि पार्टिकल कितना एंगल कवर कर रहा है। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमें, जिसको हम थीटा से यूजुअली डिनोट करते हैं, तो वी हैव सीन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन। ठीक, फिर आप देखोगे द क्वांटिटी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या बताएगी, द एंगल कवर्ड इन यूनिट टाइम। क्या बताएगी, द एंगल कवर्ड इन यूनिट टाइम। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय चेंज इन टाइम का। चेंज इन एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एंगल का होगा, चेंज इन टाइम का वही होगा जो टाइम का होगा। नो, अभी हमने देखा एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और टाइम का कितना हो गया टी, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। और अगर आप एम और एल भी लिखना चाहते हो, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके वर्कबुक में तो है ही, टेबल में दिया ही हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो, जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हो, तो ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो ये होगा चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का होगा, और टाइम का टी। अभी हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टी माइनस टू, सॉरी टी माइनस वन, और नीचे टी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी माइनस टू, टी माइनस टू। ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपने देख लिए कुछ क्वांटिटीज जो एंगुलर वेरिएबल्स है। ठीक, ओके okay. इसके बाद भी कुछ और क्वांटिटीज है, मैं यहाँ थोड़ी सी क्वांटिटीज ले रहा हूँ, बाकी आपकी वर्कबुक में जो वर्कआउट करोगे, कोई डाउट होगा उसमें, क्योंकि फॉर्मूले दिए तो आप इजीली उन्हें निकाल सकते हो, कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप उससे मुझे लिख सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द पोर्टल और इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, नाउ लेट्स सी सम अदर क्वांटिटीज। देखिए आगे आप इलास्टिसिटी, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि कैसे डिफॉर्मेशन होता है किसी बॉडी में, तो वहां हम देखेंगे क्वांटिटी जिसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बताता है कितनी फोर्स डेवलप हो रही है पर यूनिट एरिया, कितनी फोर्स डेवलप हो रही है पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखिए इसका अगर अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, एम एल टी माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये हमारा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। ओके, इन द सेम वे वी विल सी अनदर क्वांटिटी, दैट इज द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपको ये बताएगा
क्योंकि देखिए जब अब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगी। तो मान लो आपके ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ L है, मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है और रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है और आपने उस पर फोर्स लगाया वो स्ट्रेच कर गई और जो इलोंगेशन हुई, जो चेंज हुई लेंथ की, वो डेल L है या डेल्टा L है, ठीक है। तो स्ट्रेन हमें बताता है रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, स्ट्रेन गिव्स यू व्हाट, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L बाई L। अब देखिए स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा L का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाई L का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो स्ट्रेन का डायमेंशनल, अब डेल्टा L का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो लेंथ का होगा L, और लेंथ भी L होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ये एक रेशियो बताता है किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है। और तीन तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है जो आगे हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क्स मॉडुलस और तीसरा होता है रिजिडिटी मॉडुलस। तीनों के जो फॉर्मूले होंगे सेम होंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो मान लो अपने को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है, कई प्रॉब्लम्स में मिलेगा, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड क्वांटिटी होगी। तो अपने को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दे या यंग्स मॉडुलस दे दे या बल्क्स मॉडुलस दे दे या रिजिडिटी मॉडुलस दे दे, सबका सेम होगा। तो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है। तो अभी हमने देखा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस ना। तो अगर आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन निकालते हो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो स्ट्रेस तो कुछ स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। तो कैन आई से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ये कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, दैट मेक्स वॉट एम एल पावर माइनस वन टी माइनस टू। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक। देखिए अभी हम जितनी भी क्वांटिटीज देखे हैं ये सब मैकेनिक्स की क्वांटिटीज है, दैट्स व्हाई इसमें केवल तीन ही क्वांटिटीज आ रही है, क्या क्या, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, ये सब मैकेनिक्स की क्वांटिटीज है, दैट्स व्हाई इसमें तीन क्वांटिटीज आ रही है, मास, लेंथ और टाइम। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्वांटिटीज, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हम देखेंगे थर्मो डायनेमिक्स, थर्मल की क्वांटिटीज लाइक द लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। देन वी विल सी द क्वांटिटीज ऑफ ऑप्टिक्स लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन। तो इनमें आप देखोगे मास, लेंथ और टाइम के अलावा भी और भी क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है, मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स में केवल तीन आपकी बेस क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो अभी हम जो क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं वो किन की क्वांटिटीज है, मैकेनिक्स की, ठीक। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वांटिटीज के साथ। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए कि हमने देखा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास, अगर मैं आपसे पूछूं कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला केवल एम होगा, यानी मास का डायमेंशन, मास में वन है, आप देख रहे हो ना, मास का एम है, तो एम का मतलब क्या हो गया कि पावर इज वन, तो मास का डायमेंशन मास में वन है और बाकी सब में, लेंथ में, करंट में, टेम्परेचर में कुछ भी नहीं है। तो वी कैन से द डायमेंशन ऑफ अ बेस और बेस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी आर ऑलवेज जीरो इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी आर ऑलवेज जीरो इन अदर बेस क्वांटिटीज, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम याद रखेंगे कि किसी भी बेस क्वांटिटी का डायमेंशन बाकी सब बेस क्वांटिटीज में हमेशा जीरो होगा। जैसे मास का डायमेंशन केवल मास में होगा, बाकी सब में जीरो होगा, लेंथ का डायमेंशन केवल लेंथ में होगा, कितना होगा, वन, बाकी सब में जीरो होगा, ठीक, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, अब मैं एक पॉइंट आपसे पूछता हूँ, सोचिएगा, आंसर दीजिएगा, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब बताना ये सही है या गलत है, यू हैव टू टेल वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। द स्टेटमेंट इज द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी
can never be non-zero in all other base quantities. The dimensions of a base quantity can never be non-zero, can never be non-zero in all other base quantities. Now think for 2 minutes and answer ki ye statement sahi hoga ya galat hoga. Aap chaho ya video ko still kar do aur fir aap answer dijiyega, tab aage video ko fir se reactive kijiyega. Theek hai, ki the dimensions of a base quantity can never be non-zero in all other base quantities. Now see what will be the answer. ये जो लिखा है स्टेटमेंट ये सही है, ये गलत नहीं है, एकदम सही है कि द डायमेंशंस ऑफ अ बेस क्वांटिटी कैन नेवर बी नॉन जीरो इन अदर बेस क्वांटिटीज. अब देखो इसमें अंतर क्या है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये स्टेटमेंट कहा था, द डायमेंशंस ऑफ अ बेस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी जीरो इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज. सही है ना ये? हाँ, ऑफकोर्स सही है. इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि द डायमेंशंस ऑफ अ बेस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी जीरो इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज. अब अगर आप ये स्टेटमेंट देखो तो ये पहले ही स्टेटमेंट का थोड़ा सा बस एक रीफॉर्म मॉडिफिकेशन है, समझ लो वर्जन बद अलग कर दिया गया है. स्टेटमेंट की मीनिंग वही है. तो सेकंड स्टेटमेंट ये है, द डायमेंशंस ऑफ अ बेस क्वांटिटी कैन नेवर बी नॉन जीरो इन अदर बेस क्वांटिटीज. कैन नेवर बी नॉन जीरो, कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा, कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा. और अगर कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वो जीरो होगा. यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सेम है जो फर्स्ट है, बस थोड़ी सी वर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया गया है. जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो हर 5 बार वो टेस्ट देता है क्लास में और सब में वो जीरो पाता है. उसके घर में कोई पूछता है कि ये बताओ तुम्हारे क्या मार्क्स थे, तो एक वे कहने का वो घर में ये कहता है आई ऑलवेज गॉट जीरो, मुझे हमेशा जीरो मार्क्स मिले. ठीक, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में. दूसरा वे वो ये कह सकता है आई नेवर गॉट नॉन जीरो, आई नेवर गॉट नॉन जीरो. अब जब वो कह रहा है आई नेवर गॉट नॉन जीरो तो वो पहले ही स्टेटमेंट कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसे कभी भी नॉन जीरो नहीं मिला. बट वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अपने स्टेटमेंट को. अब वो जिसको बताया है उसको समझने में 2 मिनट लगेगा, लेकिन उसने आंसर ऑनेस्टली सही दिया. क्लियर है? तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है. क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. What is the maximum number of dimensions a physical quantity can have? कोई भी अगर physical quantity आप उठा लो, unknown उठा लो, कोई नई उठा लो, maximum number of dimensions कितनी हो सकती है? तो हमने जैसे देखा speed के 2 dimensions होते हैं, किसमें किसमें? length में और time में. force के 3 dimensions होते हैं, किसमें? mass में, length में और time में. तो कोई भी अगर unknown physical quantity है, known physical quantity है, any quantity, उसके maximum dimensions कितने हो सकते हैं? 7. क्यों? क्योंकि total जो base quantities है वो कितनी है? 7. तो maximum number of dimensions a quantity can have is 7. Maximum number of dimensions a quantity can have is 7. Clear है? इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि what is the maximum number of dimensions a quantity in mechanics can have? अगर मैकेनिक्स की क्वांटिटी की बात करते हो, मैकेनिक्स की क्वांटिटी की बात करते हो, तो उसके कितने मैक्सिमम डायमेंशंस हो सकते हैं? तो वहां आंसर क्या होगा? 3. वहां क्या आंसर होगा? 3. क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स में क्वांटिटी के मैक्सिमम 3 dimensions हो सकते हैं. किसमें किसमें? लेंथ में, मास में और टाइम में. सो यू कैन राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस अ क्वांटिटी इन मैकेनिक्स कैन हैव इज 3. क्लियर है? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जो हम ध्यान में रखेंगे. नाउ से अब जो हमारा आगे का रोड मैप होगा, कि हम देखेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. साथ में हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मल की कुछ क्वांटिटीज भी देखते चलेंगे. ठीक है, कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगी और इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे आज हमने डायमेंशनल फॉर्मूले निकाला, वैसे उनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे. और साथ में अब हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. जो पहला एप्लीकेशन होगा वो होगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. कि कोई भी आपको फिजिकल इक्वेशन दी जाएगी तो आपको चेक करना होगा वो सही है या नहीं. तो हम देखेंगे, हम डायमेंशनल मेथड से इसे देख सकते हैं. ठीक है, और फिर जो दूसरा मेजर एप्लीकेशन होगा वो होगा कि किसी भी एक इक्वेशन को या किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी को डिराइव करना बाकी फिजिकल क्वांटिटीज में. यानी टू डिराइव एन इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, सो दैट वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज के लेक्चर के लिए जितनी इसके साथ जो इंटीग्रेटेड वर्कबुक है उसमें जितनी मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज है, जितनी भी मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको आप पूरा उसके बेसिक फॉर्मूले याद कर लीजिएगा. क्यों मैं, अगर आप याद कर सकते हो तो, हालांकि वो बार बार अभी आप जब MCQs लगाओगे, पार्शियल प्रॉब्लम्स लगाओगे, असाइनमेंट्स लगाओगे, तो वो इतनी बार यूज होंगी कि कई फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे. ठीक है, और अभी आप उनके फॉर्मूले देख के थर्ड कॉलम में उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लीजिएगा, वर्कआउट कर लीजिएगा. ओके.